आम आदमी पार्टी के वर्करा विचाले धक्का मुक्की भी हुई है। काबिले गौर है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरीकेड से चढ़ के प्रदर्शन किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों खदेड़न के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। काबिले गौर है कि बेरोजगारी के मुद्दे से उन्होंने वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। करनाल सीएम रिहायश के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। मौके की तस्वीर भी सामने आई ने, देखा जा सकता है कि वड्डी तादाद च आम आदमी पार्टी के वर्कर्स उत्थे मौजूद ने, वड्डी तादाद स्थानक पुलिस भी उत्थे मौजूद है। तो इसे विचाले आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को खदेड़न की कोशिश जो है पुलिस के वालों की गई, तो धक्का मुक्की भी हुई है, तो पुलिस के वालों हल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल भी किया गया। न्यूज़ 18 से सब तो पहला तुम तस्वीर देख पा रहे हो। आ तस्वीर ने करनाल दिया सीएम रिहायश के बाहर दिया, सीएम मनोहर लाल खट्टर की रिहायश की बाहर दिया, जिसे कि प्रदर्शन किया जा रहा है। बैरीकेड्स को तोड़ने की कोशिश जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के वालों की जा रही थी, इस विचाले पुलिस में इंटरफेयर करती है, तो पुलिस के वालों जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के नाल धक्का मुक्की होती है, खदेड़न की कोशिश की जाती है, तो पुलिस के वालों हल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल भी किया जाता है। दस दिए कि बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे से इन्हों के वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। वड्डी तादाद च आम आदमी पार्टी के वर्कर्स वेखे जा सकते हैं, जो पुलिस भी वेखी जा सकती है। मेरे नाल मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन से मौजूद है। हिमांशु, जानना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति की है और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जानना चाहेंगे कि क्या कोई वर्कर्स पुलिस की तरफ से डिटेन भी किए गए हैं? बिल्कुल, कुछ तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। दरअसल बेरोजगारी का मुद्दा है और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार ने कहा कि 2023 में 50,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर 1,000 युवा को भी नौकरी मिली है तो सरकार उसकी लिस्ट जारी करे। सरकार ने इसको लेकर कोई लिस्ट जारी नहीं की और उसी के बाद आज अनुराग ढांडा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के नेतृत्व में आम आदमी की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो करनाल में प्रेम नगर में पहुंचे, जहां पर करनाल के विधायक और प्रदेश के सीएम मनोहर लाल का आवास है। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था, बैरिकेड्स भी लगाए गए थे, लेकिन बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, धक्का मुक्की भी हुई और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ है। हालांकि अनुराग ढांडा के हाथ पर लाठी जरूर लगी हुई थी, वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस तरीके का जब प्रदर्शन होता है तो काफी जो धक्का मुक्की और इस तरीके से हल्का बल प्रयोग देखने को मिलता है, ताकि कानून व्यवस्था भंग ना हो। वहां पर वज्र वाहन और वाटर कैनन की गाड़ियां भी बुलाई गई थी कि अगर कानून व्यवस्था भंग होती है तो उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अब स्थिति सामान्य है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमें तमाम जानकारी देने लिए। तस्वीर तुम देख पा रहे हो, तस्वीर ने करनाल दिया जिथे कि सीएम रिहायश मनोहर लाल खट्टर दे रिहायश के बाहर दिया तस्वीर ने, जिथे कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आ प्रदर्शन किया जा रहा है, बैरीकेड्स से चढ़ने की कोशिश की जा रही थी। इस विचाले पुलिस के वालों उन्होंने खदेड़न की कोशिश की गई, पुलिस के वालों हल्के बल प्रयोग का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि खट्टर सरकार के वालों वादा किया गया कि 2023 च लगभग 50,000 नौजवानों नौकरी दी जाएगी, तो जिसको लेकर दस दिए कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ते वालों ते अनुराग ढांडा की अगवाई पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विचाले जो माहौल यहोजा डिवेलप होता है, धक्का मुक्की होती है, तो प्रदर्शनकारियों धरनाकारियों पुलिस के वालों खदेड़ दिया जाता है, कुछ हिरासत में लिया गया।